आर बिलवेड इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हम काफ़ी सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं अपने घर पे या हमारे गली मोहल्लों में, और उनमें से एक सॉन्ग है जो आप लोगों ने भी सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगो। इसी शानदार गाने के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सन 1962 इंडिया और चाइना की लड़ाई जस्ट खत्म हुई थी, काफ़ी सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे इसके दौरान, और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया 26 जनवरी की शाम को नेशनल स्टेडियम में। ये एक चैरिटी इवेंट था और जो भी रेवेन्यू इससे आता वो उन सैनिकों के परिवार को दिया जाता जो बेचारे शहीद हुए थे। इस इवेंट के लिए गाना लिखने की जिम्मेदारी दी गई कवि प्रदीप को। बहुत ही कम समय था उनके पास इस गाने को लिखने के लिए। कवि प्रदीप का मेन चैलेंज था कि उनको एक ऐसा गाना लिखना था जो ऑडियंस से टच कर सके, और खासकर इस वॉर जैसे टाइम के क्रिटिकल समय में। और एक दिन माहिम बीच पे घूमते हुए कवि जी के दिमाग में कुछ लाइनें आई इस गाने के रिलेटेड। उन्होंने उसी समय जो बीच में आसपास लोग घूम रहे थे उनसे एक पेन लिया, अपने सिगरेट के डब्बे में से फॉइल फाड़ी और उसके पीछे ही गाने के स्टार्टिंग के लाइन लिखना स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करके प्रदीप जी ने बहुत शानदार और ऐतिहासिक गाना लिखा। गाने की राइटिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा क्वेश्चन आया, इस गाने को गाएगा कौन? जो इस इवेंट के प्रोड्यूसर थे उनकी पहली पसंद थी आशा भोसले जी, लेकिन प्रदीप साहब ने अपना मन पहले ही बना लिया था, अगर कोई इस गाने से जस्टिस कर सकता है वो सिर्फ लता मंगेशकर जी ही हैं। स्टार्टिंग में लता जी इस गाने को गाने के लिए मानी नहीं, उन्होंने यही कहा कि इस गाने को आशा जी को ही गाना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी की काफ़ी सारी रिक्वेस्टों के बाद लता जी तैयार हो जाती है इस गाने को गाने के लिए, और 26 जनवरी 1963 की शाम को ये शानदार और ऐतिहासिक गाना पेश किया जाता है। जितने भी लोग इस कॉन्सर्ट में थे सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे और सबकी आंखें नम थी। इतना